तो जैसा कहा जाता है बिगर इज बेटर, वैसे ही 21st सेंचुरी की बात करें तो इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफी इवॉल्व हो गई है। स्पेशली पिछले 10 साल के अंदर कुछ न्यू कार मेकर्स ने गेम के अंदर एंटर करा है और कुछ इंडियन कार गेम को ही छोड़कर चले गए और कुछ अभी भी अपनी न्यू पहचान बनाने में लगे हुए हैं इस सेगमेंट में। और ये गेम है कॉम्पिटिशन और सर्वाइवल का। और यहाँ आता है जब एक कार मेकर्स ट्राई करता रहता है अपनी ऑफरिंग्स और बेटर बनने की और कुछ बिगड़ करने की अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर से। और जितने भी पॉपुलर और हाई सेलिंग कार्स हैं 21st सेंचुरी के अंदर जिनके मॉडल्स में जनरेशन चेंजेस आए हैं, तो उन न्यू जनरेशन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने भी नोट करी होगी कि उनका साइज, और हम बात कर रहे हैं ऑल मेन 3 डायमेंशंस की जो एक कार में होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और जितने भी व्हीकल्स हैं इंडिया में जिनकी न्यू जनरेशन आई हैं उनकी डायमेंशन में भी अपग्रेड आया है, कार्स दैट हैव बिगर इन साइज। तो अभी कुछ सालों में देखा गया है कि जितने भी न्यू मॉडल्स ने अपनी प्रीवियस जनरेशन को रिप्लेस करा है वो साइज में बड़ी होती जा रही हैं। जैसे कि बात कर लो न्यू हुंडई क्रेटा की ही, जो कि अपने प्रीवियस जनरेशन से बड़ी है हर डायमेंशन में सिवाय हाइट के। और ऐसे दूसरे मॉडल भी हैं जैसे ऑल न्यू वैगनार, जिसको एक न्यू प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और वो अपने ओल्डर वर्जन से काफी बड़ी है साइज में। और ऐसे बहुत सी एग्जांपल हैं जिनके न्यू मॉडल्स बिगर हैं अपने प्रीवियस वर्जन से। और इस लिस्ट में आती है स्कोडा ऑक्टाविया, सेकंड जनरेशन होंडा अमेज, 10th जनरेशन होंडा सिटी, ऑल न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर, न्यू हुंडई वर्ना और ऑल न्यू i20। यहाँ तक कि इनोवा भी अब बड़ी हो गई है साइज में अपने पिछले फेसलिफ्टेड वर्जन से। और कुछ कार जो आने वाली हैं जैसे स्कोडा स्लेविया, जो कि रैपिड से बड़ी ही होगी क्योंकि स्कोडा ने उसे रैपिड को रिप्लेस करके ही लॉन्च करा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि इंडियन कार मेकर्स अपनी न्यू जनरेशन कार्स को साइज में बड़ा कर रहे हैं? सबसे पहला रीजन आता है इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। एक अलग सी पहचान बनाने के लिए अपने सेगमेंट में कार मेकर्स अपनी कार्स को और बड़ा बना रहे हैं साइज में अपने प्रीडेसेसर से, जिसकी वजह से उन्हें अपने राइवल से अलग रोड प्रेजेंस और स्टांस मिले। जैसे कि मारुति सुजुकी की सिचुएशन को ही देख लीजिए, एक टाइम पर ऐसा था कि सिर्फ यही एक ओनली प्लेयर था मास मार्केट और प्राइस कॉन्शियस सेगमेंट में, लेकिन आज के टाइम पर मारुति को भी कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन मिल रहा है दूसरे कार मेकर से, जैसे हुंडई, टाटा, होंडा और किया, जिसकी वजह से मारुति को भी अपनी कार के साइजेस इंक्रीज करने पड़े, लाइक न्यू अल्टो, सिलेरियो या फिर वैगनार की न्यू जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ही सेम आपको दूसरे कार मेकर्स के साथ भी देखने को मिलेगा, अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए या फिर फॉर द एक्ट ऑफ सर्वाइवल। रीजन नंबर 2, क्वेस्ट फॉर रूम एयर कैबिन्स। इंडियन कस्टमर्स की प्रायोरिटीज यूरोपियन और अमेरिकन ऑडियंस जैसी नहीं है। इंडियन कस्टमर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर रिलाई करते हैं जैसे फ्यूल एफिशिएंसी और कैबिन स्पेस, जिसकी वजह से कार मेकर्स को हर साल और बिगर कार्स बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और एक गुड फैमिली कार का इंडिया में होने का मतलब होता है कि ऑप्टिमम स्पेस हो 5 पैसेंजर्स के लिए, अच्छा खासा नी रूम, हेड रूम, लेग रूम और शोल्डर रूम हो, खासकर रियर सीट्स में। और यही एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है उन फैमिलीज का जिनके मेंबर्स की हाइट 5 फीट 8 इंच या उससे अबव होती है। रीजन नंबर 3, स्टेटस सिंबल। तो जो लोग इंडिया में एक कार बाय करते हैं तो एक बिगर कार का मतलब उनके लिए ये साइन होता है प्रोस्पेरिटी और स्टेटस सिंबल का। तो जितनी भी बड़ी आपके पास एक कार होगी तो उतनी बड़ी आपकी पहचान होगी सोसाइटी में। और यही रीजन है कि बहुत सारे इंडियन कार मेकर्स भी बड़ी से बड़ी कार को ऑप्ट कर रहे हैं जो कि उस बजट लिमिट में मैन्युफैक्चर हो सके। और ये ज्यादातर प्रीमियम मिड साइज और फुल साइज सेडान्स और एसयूवी कैटेगरीज में ज्यादा देखा गया है। और यही ट्रेंड अब स्मॉलर सेगमेंट्स की कार लाइक हैचबैक्स और कॉम्पैक्ट एसयूवी और सेडान में भी देखे जाने लगा है। और हम सब जानते हैं कि कैसे इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट इवॉल्व हो रही है और यहाँ कस्टमर के प्रेफरेंस भी चेंज हो रहे हैं, जिसे देखकर कार मेकर्स भी अपनी कार्स में चेंजेस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि व्हाई द न्यू जनरेशन कार्स आर बिगर देन द प्रीवियस वन। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।